ऑलराइट, आई होप आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। जैसा कि आप जानते हैं आईटी जेई का पेपर 9 तारीख को, 10 तारीख को, 11 तारीख को, 12 तारीख को हुआ है। हर पेपर दो अलग अलग शिफ्ट में हुआ है। तो आज हम शिफ्ट वन आईटी जेई की फिजिक्स का टेस्ट पेपर जो हुआ था वो शिफ्ट वन के 9 तारीख की शिफ्ट वन का मैं पेपर डिस्कस करने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका रेडियो एक्टिविटी से था। रेडियोएक्टिविटी, टू रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स ए एंड बी हैव इनिशियल एक्टिविटी 10 क्यूरी एंड 20 क्यूरी रेस्पेक्टिवली। इफ ए हैज ट्वाइस द नंबर ऑफ मोल्स एज दैट ऑफ बी, द डीके कांस्टेंट लैम्डा ए एंड लैम्डा बी कैन बी। ये इजी टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन सबसे पहले बोला है कि टू रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स ए एंड बी। सो मतलब एक हमारा कुछ रेडियोएक्टिव एलिमेंट ए है, दूसरा रेडियोएक्टिव एलिमेंट बी है। इनिशियल एक्टिविटी 10 क्यूरी एंड 20 क्यूरी, इन दोनों की इनिशियल एक्टिविटी 10 क्यूरी और 20 क्यूरी है। इसका मतलब ये कि लैम्डा ए इनटू एनए इज इक्वल टू 10 और लैम्डा बी इनटू एनबी इज इक्वल टू 20 क्यूरी। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वेयर लैम्डा ए बी द डीके कांस्टेंट ऑफ ए न्यूक्लियाई एंड लैम्डा बी बी द डीके कांस्टेंट ऑफ सेकंड न्यूक्लियाई बी और एनए एंड बी बी द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन ए एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन बी। सो दोनों को क्या करना है, रेशियो ले लीजिए दोनों का। रेशियो ले लेंगे तो लैम्डा ए अपॉन में लैम्डा बी इनटू में एनए अपॉन में एनबी इज इक्वल टू 10 अपॉन में 20, दिस इज इक्वल टू 1/2। सो लैम्डा ए अपॉन में लैम्डा बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/2 इनटू एनबी अपॉन में एनए, NB upon में NA। अब बोल रहा है कि if A has twice the number of moles, A की जो moles है वो twice है as that of B, means NB upon में NA is equal to 1/2। कहने का मतलब ये कि NA और NB में ये दोगुना है, means NB upon सॉरी ये दोगुना नहीं ये दोगुना है। तो NB अपॉन में NA, NB अपॉन में NA इज इक्वल टू कितना, 1/2, देन दिस इज इक्वल टू कितना, 1/2 इनटू 1/2, दिस इज इक्वल टू 1/4। अब ये ऑप्शन आपको दे रखा है 10 5 5 20 20 10 एंड 5 50 100। तो इनमें से चेक करना है कि लैम्डा ए अपॉन में लैम्डा बी का रेशियो किस में 1/4 आता है। ध्यान से अगर आप देखें तो 10 अपॉन में 5 की वैल्यू 2 आती है, इसका मतलब ये करेक्ट नहीं है। 5 अपॉन में 20, दिस इज इक्वल टू 1/4, दिस इज द करेक्ट आंसर। 20 अपॉन में 10, ये भी करेक्ट नहीं है। 50 अपॉन में 100, ये भी करेक्ट नहीं है। सो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा है, बी।